देख सकते हो कहीं भी इको के ऑप्शन नहीं है, इसको आप DD3 यूज़ करो और भी सारे जो डिवाइस हैं वो यूज़ करके आप इको बना सकते हो इजीली, और उसके बाद आप इको का ऑप्शन ले सकते हो, बट इसमें आपको इको ऑलरेडी आपको दी गई है। हेलो छे, देख सकते हो कि कितनी फ्रेश इको हमारी आ रही है, और मैं यहाँ पे इको बंद कर देता हूँ और देख सकते हो कि इको एकदम जर से ही ख़त्म हो चुका। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, आप लोग का स्वागत है एक और वीडियो में। गाइज, आज मैं बता दूँ, यहाँ पे मैं बैठा था, अपने माइक को चेक कर रहा था इजिली, तो मेरे को लगा कि ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है और ये शेयर करना चाहिए अपने भाई लोग के साथ, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन जो है ये कुछ लोगों को काम भी आ सकता है और कुछ लोगों को पहले से पता भी होगा, तो ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को इजिली पता है। ठीक है, आज की वीडियो शुरुआतें करते हैं और आज की वीडियो में बताते हैं कि यहाँ पे देख सकते हो डायमंड क्लब 12.2 डायमंड क्लब यहाँ पे रखा हुआ है, और यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पे इको मिक्सर रखा हुआ है स्टेंजर का, और यहाँ पर देख सकते हो यह ऊजा का एम्पलीफायर रखा हुआ है जो कि 500 वाट का। ओके, तो ये सारे चीज़ें यहाँ पे रखे हुए हैं, और साथ ही साथ एक माइक है देख सकते। ये जो डायमंड क्लब जो है 12.2, इसमें इको का ऑप्शन आपको कहीं भी नहीं मिलता है देखने के लिए। ठीक है, देख सकते हो कहीं भी आपको ऑप्शन नहीं मिलता है, और साथ ही साथ ये स्टेंजर का जो है ये मिक्सर में आपको इको का ऑप्शन मिलता है। ओके, तो कुछ इस प्रकार से है। तो आप कैसे इससे और इससे इको बना सकते हो, मतलब अगर इसमें इको नहीं है, अगर इको इससे चलाना है, इको वाला कोई भी ऑप्शन करना है, कोई भी अगर सिंगर है इको वाला, तो आप इससे दे सकते हो, इससे आपको देने की कोई ज़रूरत नहीं। इसके ढोलक तबला कुछ भी दे दो भाई साहब, ये चल जाएगा, लेकिन इक्को नहीं चलेगा ना, तो इक्को इससे आपको चलाना पड़ेगा, और कैसे चलेगा मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देख सकते हो ये डायमंड क्लब 12.2 है और 16.2 भी आता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो इसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलती है, वो भी इक्को की। भाई साहब, इतनी महंगी मिक्सर में नहीं मिलती है, बट छोटी सी मिक्सर में आपको मिल जाएगी। ठीक, तो कुछ इसी प्रकार से है यहाँ पे, और काफ़ी सारे जो हमारे डीजे वाले भाई लोग हैं उसको समझ में आ गया होगा कि हम करने क्या वाले हैं। ठीक है, जिसको पता है प्लीज़ कोऑपरेट करना, वीडियो को लास्ट तक देखना प्लीज़, और जिसको नहीं पता है वो तो देखेंगे भाई साहब, सीखो थोड़ी सी। देखो, मैं भी सीखता हूँ तभी आप तक ये चीज़ें सारी चीज़ें हम पहुँचाता हूँ। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो कहीं भी इको के ऑप्शन नहीं है, इसको आप DD3 यूज़ करो और भी सारे जो डिवाइस हैं वो यूज़ करके आप इको बना सकते हो इजीली, और उसके बाद आप इको का ऑप्शन ले सकते हो, बट इसमें आपको इको ऑलरेडी आपको दी गई है, तो DD3 यूज़ आप ना भी कर सकते हो। जो छोटे भाई साहब हैं वो ना करें तो कोई दिक्कत नहीं, छोटे छोटे वाले डीजे वाले जो है मेरे तरह, ठीक है, तो ना भी करें DD3 का यूज़ तो चलेगा। मेरे पास DD3 ऑलरेडी है, मैंने बता रखी है। तो ये हमारी एम्पलीफायर की जैक है, और ये हमारी जो मिक्सर में कनेक्ट हुई है वो वाली। अभी भाई साहब कनेक्ट कर लेना से नहीं होता है, ये वाली लेफ्ट वाली में अगर कनेक्ट मैंने किया है तो ये लेफ्ट वाली वॉल्यूम देने पड़ेगा, ये वाली, ठीक है, ओके, और ये वाली आपको लेफ्ट वाली देनी पड़ेगी। ठीक है, इस प्रकार से देनी पड़ेगी। तो यहाँ से आपको ये सब वॉल्यूम तो ऑलरेडी करना है, अब जिसमें माइक चलाओगे तो वो आपको पता ही होगा, तो कुछ इस प्रकार से ये कनेक्ट होता है, काफ़ी नॉर्मल से चीज़ें। ठीक है, सबसे पहली बात देखो, ये कनेक्ट है हमारे सारे चीज़, बस यहाँ पे थोड़ी सी ले आओ। यहाँ पे देख सकते हो दो जैक है, ये एम्पलीफायर से आई है, इनपुट से आई है, ये आउटपुट की जैक है, और ये देख सकते हो ये जो हमारी माइक वाली जो माइक की ऑप्शन में जो जैक हमने लगाई है, तो ये एक ऑप्शन जो आ जाती है हमारी, जो यहाँ पे आप लेफ्ट राइट किसी में भी दे सकते हो, और अपने एक चैनल से, मतलब एक चैनल से आप लेफ्ट राइट किसी में भी दे सकते हो। ठीक है, चेक करके कि किस प्रकार से क्या क्या चीज़ करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको लेफ्ट वाले जो इको वाली वॉल्यूम है वो आपको दे देनी है, और ये दे देनी है वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम आपको रखनी है। ओके, उसके बाद आपको इको यहाँ से आपको देनी है। ओके, और डन, चेक करते हैं हम कि इको हमारे साथ है कि नहीं। ठीक है, ये चालू कर दिए मैंने। हेलो छे, देख सकते हो कि कितनी फ्रेश इको हमारी आ रही है, और मैं यहाँ पे इको बंद कर देता हूँ, और देख सकते हो कि इको एकदम जर से ही ख़त्म हो चुकी है, और रात की समय हो रही है तो थोड़ी सी कम लाउड देंगे हम। ठीक, तो कुछ इस प्रकार से यहाँ से आप इको इसको कनेक्ट कर सकते हो, और अगर यही चीज़ को हम यहाँ पे दे दें, ये वाली इसमें यही चीज़ को हम, ओके, तो देखना एकदम इक्को नहीं रहेगा। हेलो चे, हेलो हेलो चे, सूखा सूखी आवाज़ आपको आएगी, जो आएगी सो सूखा सूखी आएगी। हेलो चे, हेलो चे, तो इसमें इक्को नहीं है, ढोलक तबला इसमें चल जाएगा लेकिन इक्को नहीं चलेगा। तो प्लीज़ आप ये वीडियो, मतलब जो नहीं, जिसको नहीं पता था, जो न्यू बंदे हैं तो जिसको नहीं पता था उसको, बिल्कुल हमको लगता है कि थोड़ी सी तो नॉलेज मिली होगी,
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना, और ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोग को कैसी लगी ये कमेंट में बताना। और हाँ, कमेंट में ये मत लिखना कि भाई मेरे को ये पहले से पता था आपने क्यों बताया। भाई जिसको पता है प्लीज़ कोऑपरेट करो वीडियो में, और जिसको नहीं पता उसको प्लीज़ समझाओ, ठीक है। चलिए मैं भी सीखा हूँ तभी आपको मैं बताया हूँ, ठीक है। और ये बात को हम हर बार इसलिए बोलते हैं क्योंकि मुझसे पहले बहुत सारी वीडियो में गलती हुई है, तो उस गलती को हम फिर से दोहराना नहीं चाहते। इसके कारण ये बात को मेरे को बोलनी पड़ती है कि मैं भी सीखता हूँ तभी आपको बताता हूँ। अगर ये बात अगर नहीं बोलेंगे और अगर वीडियो बना के डाल दिया और कहीं गलती हो गया तो भाई साहब बोलेगा क्या तू बताता है, क्या गुंडा बनेगा। चलिए मिलते हैं टक से नई वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दें टक से।